आयुर्वेद से शरीर को ठीक करने के लिए और व्याकरण से वाणी के मल को ठीक करने के लिए और मन को ठीक करने के लिए योग बताया। योग शास्त्र में, पतंजलि योग शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि योग करने से शरीर ठीक होता है, बल्कि कहा योग करने से मन ठीक होता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन एक सूत्र पतंजलि का मिलता है, वो तो कहते हैं कि जब तक कोई दुख हमारे पास नहीं आया वह हम हटा सकते हैं। हेयम दुख मनागतम, हमारे पास आने की चेष्टा कर रहा है कोई दुख, उसको कैसे हटाएंगे, उसको हटाने के लिए योग बताया। तो जब वैन वी गेट सिकनेस इन अवर बॉडी सो वी शुड नॉट डू योगाभ्यास, हमको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन पहले से ही हम योगाभ्यास करें जिससे कि हमारे पास रोग ना आए, ये समझ लेना। तो बहुत अधिकांश लोग मैं आपको हमारे योग शास्त्र में छह क्रियाएं जिनको सत्कर्म कहा जाता है उनका थोड़ा परिचय दे दूं, आप जानते होंगे। सत्कर्म छह कर्म है हमारे, जिसमें नेति, नेति जो हमारी नासिका को शुद्ध करने के लिए की जाती है, एक है धोती, धोती है स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ वी टेक और हम उसको हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं, धोती को खाते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं, जो कफ होता है हमारे शरीर में वो ठीक हो जाता है। नेति, धोती, एक है नौली, नौली आपने देखा होगा पेट को इस तरह से चलाते हैं, नौली क्रिया। नेति, धोती, नौली, एक है बस्ती क्रिया, बस्ती, बस्ती में थ्रू एनस वी टेक द वॉटर एंड वी क्लीन अवर लोअर पार्ट, मूलाधार चक्र, गणेश चक्र, उसके लिए गणेश क्रिया भी होती है, तो उसको बस्ती क्रिया कहते हैं। नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपाल भाति, कपाल भाति से सांस लेकर जोर से धक्के से सांस को छोड़ते हैं, ये कपाल भाति। हमारे ऋषियों ने इनको सत्कर्म कहा। नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपाल भाति, एक है त्राटक, नेत्रों की एक्सरसाइज है ऐसे किसी भी बिंदु पर और नेत्रों को टिकाना। तो पहले हम थोड़ा सा एक परिमार्जन करें कि नेति आप जो करते हैं, आजकल हम लोग सूत्र नेति लेते हैं, हमने बचपन में की सूत की बनी हुई एक स्पेशल कोई धागा, उसको एक नाक से डालते हैं फिर मुंह में से उसको निकालते हैं, दूसरी नाक से डालते हैं मुंह में से निकालते हैं और इस तरह से उसको संचालन करते हैं। सूत्र नेति, जल नेति, जल का लोटा होता है उसमें टोटी लगी होती है, एक नाक में लगाकर और उसको दूसरी नाक से निकालते हैं, इस नाक में लगाकर दूसरी नाक से निकालते हैं, आप जानते हैं ये नेति है। तो अब थोड़ा सा नेति हम इस तरह से ना करके मैं आपको वात नेति कराता हूं। वात नेति कैसे करें जरा ध्यान रखें, अपने पास जो क्लीनेक्स ले सकते हैं, जिनके पास ना हो तो सांस को दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस को खींचेंगे जोर से और फिर तुरंत बाएं को बंद करेंगे उंगली से, रिंग फिंगर से, और दाहिने सांस को निकाल, दाहिने से सांस को निकालेंगे। धन्यवाद। वात नोट, वात नेति, फिर दाहिने नाक से सांस को लेंगे जोर से, फिर बाएं से छोड़ देंगे, एक बार बाएं से लेंगे बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, एक बार दाहिने से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे, ये आपने वात नेति की, नेति विद ओनली एयर,
केवल हवा से ही लेती, हवा से लेती कि हवा से धोती कैसे हो सकती है। तो देखो आप चाहे तो, मैं वज्रासन में बैठा हूं, आप वज्रासन में बैठे तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुखासन में बैठे, इसको सुखासन कहते हैं। सुखासन इजी पोज, आपको कोई बैठने में कोई समस्या नहीं हो, ऐसा सुखासन। और उसमें समकाय सिरो ग्रीव, हमारा शरीर, हमारी गर्दन बहुत पीछे भी ना हो जाए, बहुत आगे भी ना हो जाए, ठीक रहे। सुखासन में बैठकर अब हमको वात धोती करना है। ये कुछ योग के सीक्रेट्स हैं, क्योंकि हम धोती रोज नहीं कर सकते, कपड़ा लेकर हम रोज उसको खाएं, उसको निकालें, लेकिन है तो आवश्यक, महीने में एक बार करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं हो सकती है तो वात धोती। वात धोती में किसी ऐसे स्थान पर हमें बैठना होता है जहां पर मच्छर ना हो, मक्खी ना हो, छोटे छोटे कीटाणु ना हो, ऐसा स्वच्छ स्थान भी हो। तो क्योंकि हमें हवा को अच्छी तरह से भीतर लेना है और हवा को बाहर निकालना है, तो जरा वात धोती कर पहले एक बार देख लेंगे। प्लीज फर्स्ट वॉच मी, मुझे देखेंगे, जीभ को खोलेंगे, पूरे मुंह को खोलकर पूरी हवा को भीतर ले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि कोई बाहर की चीज भीतर ना चली जाए, कोई मच्छर, कोई कीटाणु, तो थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी है वात नेति, वात धोती। एक बार फिर से करेंगे मेरे साथ, मुंह खोलेंगे पूरा और सांस को नाभि तक ले जाने की चेष्टा करेंगे, पूरा मुंह खोलकर सांस को भीतर ले जाएंगे, मुंह से ही छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर लेंगे, पूरी आहार नाल आपकी हवा आपकी नाभि तक जाए और पूरी आहार नाल आपकी शुद्ध हो। यू कैन क्लीन योर फुल एलिमेंट्री कैनाल विद दिस वात धोती। दिस इज वात धोती। वंस मोर विल डू, वंस मोर, अब देख रहे होंगे आपको खांसी हो रही है, क्योंकि कहीं हमारे भीतर कंजक्शन है, कहीं कफ है तो होगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको अभ्यास करें, कभी कभी इतना बहुत है, क्योंकि हम ज्यादा धीरे धीरे अभ्यास करें। तो मैंने आपको वात नेति कराई, केवल वायु से नेति की जा सकती है। अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरा हम बाहर नहीं निकालेंगे, वो हम बाहर निकालने की भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकालना है उसको। हाँ, ओके। तो नेति धोती नौली, नौली क्रिया कौन कौन करते हैं, आप उठाएंगे, नोबडी। तो मैं आपको नौली क्रिया दिखाता हूं, ठीक है। पहले सांस को, इसकी प्रोसेस हम बताते हैं आपको, आई टेल योर प्रॉपर प्रोसेस।
आपको पहले सांस को बाहर छोड़ेंगे, इस हाथ को यहाँ रखेंगे, इस हाथ को यहाँ रखेंगे, थोड़ा इस हाथ को दबाएंगे तो नली को बाहर निकालेंगे, फिर इसको दबाएंगे ये नली बाहर निकलेगी। पहले हमें 2-4 दिन इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरह से तो आप देख रहे होंगे कि नली बाहर निकलती है, ये देख रहे हैं। फिर उसको धीरे धीरे हम चलाना शुरू करते हैं, सांस को बाहर निकालेंगे। ओनली वी एक्सेल देन वी कैन डू, इफ वी डोंट एक्सेल वी कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज। न्यूली सांस को बाहर निकालेंगे पूरा, ये मणिपुर चक्र को शोधन करने की बहुत अच्छी क्रिया है। धन्यवाद। तो नेति भौती नौली बस्ती क्रिया, बस्ती विद वाटर विद अवर फ्रॉम अवर इंटरनल लोअर ऑर्गन्स, तो हम उसको वात बस्ती भी कर सकते हैं। न्योली की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्योली क्रिया वी कैन डू वात बस्ती। बस्ती मीन्स एज यू कैन यू टेक एनिमा इन हॉस्पिटल लाइक दैट, विदाउट एनी कैथेटर, विदाउट एनी ट्यूब, यू टेक वाटर, दैट इज बस्ती। तो मैं आपको बस्ती जरा आकर दिखाता हूँ, आप जरा देखना। बस्ती पानी को, क्योंकि पानी नहीं है तो वात बस्ती करनी है, केवल हवा से ही बस्ती करनी है, हवा को खींचना है, हवा को छोड़ना है। रूट चक्र को, वी वांट टू स्ट्रॉन्ग अवर रूट चक्र, इज अवर रूट चक्र इज स्ट्रॉन्ग, तो अवर अनाहत चक्र इज हार्ट चक्र विल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हृदय में प्राण वायु रहती है और रूट चक्र में अपान वायु रहती है। अपान वायु हमारी जब ऊपर चढ़ जाती है तो हमें हार्ट अटैक होता है, तो अपान वायु को हमें नीचे फेंकना होता है, उसके लिए हम बस्ती क्रिया करते हैं। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसको, अपान वायु इंग्लिश में क्या, प्राण प्राण अपान उदान व्यान समान, यस देयर इज नो सिनोनिम फॉर दिस, द एयर विच वर्क्स बिलो द नावल सेंटर, दैट इज अपान। अपान हमारे गार्बेज को बाहर ले जाती है, उसी को मलमूत्र को जो बाहर फेंकती है उसी को हम अपान कहते हैं। प्राण हमारे जो रक्त को शुद्ध करती है, हमारे हृदय में उसको हार्ट को क्योर करती है, उसको प्राण कहते हैं। प्राण को स्ट्रांग होना चाहिए, तो प्राण को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपान को धक्का देकर नीचे फेंक सके। तो ये न्योली क्रिया में प्राण में हमारा प्राण मजबूत होगा तो हम न्योली क्रिया कर पाएंगे। तो दिस बस्ती इज रिलेटेड टू न्योली क्रिया। आप देखें इसमें भी सांस को बाहर फेंकते हैं, वायु को हम बाहर फेंकते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं फिर छोड़ते हैं। तो ये इसको हमारा कंट्रोल जब हमारे प्राण के ऊपर है तो इट मीन्स अवर प्राण इज पावरफुल। तो हमारा प्राण पावरफुल, ये मैंने आपको जो हमारी सत्कर्म की जो क्रिया नेति धोती नौली बस्ती कपालभाति, नाउ वी डू कपालभाति, you know kapalbhati, do these are 6 basic kriyas in yoga, sat karma, inko pratidin hame karna hota hai, kapalbhati kare sabash, sabhi log kare kapalbhati, between apan mudra throwing the exhaling, yeah,
Everybody knows Kapalbhati? Am I doing right? Are you ready? ठीक है? उसको झटके से सांस को बाहर फेंकना है. धन्यवाद. अब रुक जाएंगे 10 सेकंड के लिए, थोड़ा रेस्ट करें. और रेस्ट में ट्राई टू एम्प्टी योर माइंड, मन को थोड़ा विश्राम दें. थॉट लेस, कुछ भी मत सोचे, तब रेस्ट होता है. धन्यवाद. आगे हम बताते हैं नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक. Everybody knows त्राटक. त्राटक आप जानते हैं? आप बताइए. त्राटक से जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो आप बताइए. त्राटक हम हमारी जो नेत्रों को ठीक करने के लिए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें त्राटक करना होता है. आप सभी लोग अपने हाथ को इस तरह से करेंगे, अंगूठे के ऊपर त्राटक करेंगे. अंगूठे के ऊपर अपनी दोनों आंखों को अंगूठे के इस केंद्र बिंदु पर टिकाएंगे. टिक गया. जब अच्छी तरह से टिक जाएगा फिर हम उस अंगूठे को मूव करके देखेंगे कि हमारी आंखें उसके साथ मूव करती हैं कि नहीं. हम उसको लेफ्ट मूव करेंगे, थोड़ा लेफ्ट, अपने नेत्रों को उनके साथ ही रखेंगे. स्टॉप, थोड़ा ही मूव करेंगे, 6 इंच के भीतर रखें, फिर अपने स्थिति में लाएं. रोक दे सामने, फिर इसके ऊपर अपने दृष्टि को जमाएं. प्राटक को राइट ले जाए, बेंच के भीतर रहे. वापस लाए. ये मैंने आपको, धन्यवाद, मैंने आपको संक्षेप परिचय हमारे सत कर्म का दिया, जो 6 कर्म हैं. ठीक है, आप हाथों को इस तरह से जोर से, जो गर्म हो जाए आंखों को. यही करना है उतनी देर तक आंखें, लेकिन इतनी देर तक तो आंखें नहीं रोक सकते आप. लेकिन आपको जहां पर उसको बढ़ाना होता है वो तो उसकी तो पलक, उसका तो एक निश्चित समय पर वो होगा ही, लेकिन फिर भी उसके बाद तुरंत हमारा कंसंट्रेशन बन जाना चाहिए, फिर वहीं बन जाना चाहिए. उसके बाद एक पलक सकते कि फिर वहीं आ जाना चाहिए. लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते हैं उसकी पलक को बहुत देर तक रोक सकते हैं. प्रैक्टिस करने से आपने देखा कि कोई व्यक्ति, कोई महात्मा जी पक्षी को ऐसे उन्होंने क्रोध से देखा तो पक्षी वो मर गया, जल गया, आंखों में उसकी अग्नि हो गई, इतनी शक्ति हो गई. तो ये ऐसा भी समय होता है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है. फिर भी हमारी आंखों को ठीक रखने के लिए प्रागत. तो मैंने आपको ये सठ कर्म बताए जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए. अभी हम थोड़ा सा हम बैठे हैं तो बैठने के एक दो आसन कर लेते हैं. उसके लिए इसको मैंने बताया, इसको कहते हैं सुखासन. सुखासन ये ध्यान का एक बहुत अच्छा आसन है.
निशासन में बैठकर हम ध्यान करते हैं, लेकिन यदि हमारे शरीर में कहीं कोई छोटा मोटा कोई विकार है या हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता है तो फॉर डाइजेशन वी कैन डू पद्मासन। पद्मासन करने से हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, ऐसा अनुभव किया गया। पद्मासन में एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, एक रख सकते हैं तो एक रखें, लेकिन प्रयत्न धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छा। अब इसमें पद्मासन कहते हैं, लेकिन यदि इसका ठीक से अभ्यास करें 3 घंटा 3 hours and 42 minutes इफ यू कैन डू, तो 3 घंटा 42 मिनट के बाद आसन सिद्ध हो जाता है। फिर आपको जैसे कई बार हम लोग बैठे होते हैं तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं ये करते हैं, ऐसा नहीं होता, आसन सिद्ध हो जाता है। आसन की सिद्धि होती है, आहार की सिद्धि होती है, भोजन आहार, आसन दृढ़ आहार दृढ़, फिर जब आसन और आहार दोनों दृढ़ हो जाते हैं तो फिर मन दृढ़ हो जाता है, मन दृढ़ होता है तो फिर ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाता है, ये सब फिर हमारा हृदय भी दृढ़ हो जाता है, फिर हम भी दृढ़ हो जाते हैं। अब इसमें यदि इफ वी फील एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन अवर बॉडी सो वी कैन रिमूव द बॉडी इन्फेक्शन विद द अदर एक्सरसाइज, दैट इज बद्ध पद्मासन। ये बाएं पैर को बाएं हाथ से बाएं पैर के हाथ पकड़ेंगे और दाहिने से दाहिने पैर को पकड़ेंगे, प्रयत्न करेंगे, इसको बद्ध पद्मासन बोलते हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन में या पेट में कहीं कोई इंफेक्शन को हटाता है, यदि हम इतनी देर कुछ देर तक हम रोक सकें। मैंने कई बार देखा कि जो मलेरिया हो जाता है, कई बार तो टाइफाइड हो जाता है, उसको भी ये ठीक कर देता है बद्ध पद्मासन, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, सिद्धि में कर रहा हूं ना, बहुत अच्छा। एक बहुत अच्छा आसन है, आप देखें प्रेरणा लें और आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका शरीर ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको हालांकि अच्छे लगते हैं आप, उसके लिए एक और आसन है अपने झूला आसन। दोनों हाथों को जमीन में रखकर हम झूले की तरह से झूल सकते हैं, जैसे भगवान का हम झूला बनाते हैं, आप झूल सकते हैं। लेकिन आपका अगर बॉडी बैलेंस है, आपका वेट आपका यदि कंट्रोल है, तो देखिए फिंगर्स के ऊपर अपनी बॉडी को उठा सकते हैं, यू कैन लिफ्ट योर बॉडी विद 5 fingers। उंगली के ऊपर आप अपने शरीर को उठा सकते हैं। तो ये झूला आसन मैंने बताया, इसमें एक और आसन है बड़ा अच्छा, आप इंस्पायरेशन लें और आप कर, एवरीबॉडी कैन डू दिस एक्सरसाइज। एक और आसन है जिसको गर्भासन कहते हैं, नहीं गर्भासन हम बाद में बताएंगे, एक आसन है जिसको कुक्कुट आसन कहते हैं, कुक्कुट आसन। इसमें हाथों को करके हाथों के ऊपर खड़ा, कुक्कुट आसन। इसी कुक्कुट आसन में हम गर्भ आसन बनाते हैं, बेबी लिव्स इन, बेबी रिसाइड्स इन गर्भ,
सो दिस इज, तो मैंने ये आपको थोड़े से आसन कहे, इसके बाद एक और आसन हम बताते हैं। पद्मासन में ही योग मुद्रा, कई बार हम लोगों को ये वी हैव दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट दैट वी कैन नॉट कम टू द टेम्पल बिकॉज वी डोंट वांट टू कम। कई बार हम मंदिर नहीं आना चाहते, हमारा मन कहीं और लगता है, क्यों लगता है, हम भगवान का भजन में मन नहीं लगता, तो इसमें हमें वैराग्य होना चाहिए। तो योग मुद्रा, तो योग मुद्रा कैसे होती है, केवल इस तरह से पद्मासन में बैठकर और यू विल टच योर फोरहेड विद द एंड योर हैंड विल बी लाइक दिस। इसमें यदि हम इसको योग को पावर योग बनाया जाता है, पावर शक्ति योग, जब हम इनहेल और एक्सहेल को इसके साथ मिला देते हैं तो ये शक्ति योग बन जाता है। हाथों को पीछे करेंगे और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, पकड़कर सांस को ऊपर भरेंगे और सांस को फिर छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस को लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, टू नोज ओनली राइट, या केवल नाक से सांस लेंगे। और इसमें हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा सिर जमीन को टच करे, उसके बाद में नाक को जमीन से टच करेंगे, फिर वी कैन और हमारे पद्मासन रहेगा, फिर हम चिन्ह को टच करेंगे, फिर हम चेस्ट को, अपनी चेस्ट को टच करेंगे, वी कैन टच अवर चेस्ट, तो ये हमने आपको थोड़ा सा योग मुद्रा आसन बताया। एक आसन बहुत अच्छा आसन है, आपने भी अनुभव किया, आप जानते हैं, करते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन। ओनली दिस आसन यू कैन डू आफ्टर फूड, एनी टाइम यू कैन डू वज्रासन। इसमें अब इस तरह से बाएं पैर की अंगूठी के ऊपर दाहिने पैर का अंगूठा, और इस तरह से हम बैठते हैं दोनों पैरों के बीच में, इसको वज्रासन कहते हैं। बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन में एक और क्रिया है जिसको हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। सुप्त वज्रासन में दोनों घुटनों को मिलाएंगे, पैर इसी तरह रहेंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे और सो जाएंगे। You will pain here. यहाँ पेन आपको होगा, लेकिन आपको जितना कर सकते हैं उसको पेन को सहन करेंगे, you should be at the pain. उसको सहन करेंगे, आपको लाभ होगा, आराम से जितना हो सकता है उतना करेंगे, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी। बहुत अच्छा आसन है। इसमें एक और, यदि आप आगे एडवांस स्टेज में यदि आप इस आसन को कर लेंगे, फिर एक आसन है उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन से यू कैन रिमूव पाइल्स विद द मंडूकासन।
मंडूकासन में दोनों एड़ियों को हम मिलाएंगे, उनके ऊपर बैठेंगे इस तरह, इसको मंडूकासन कहते हैं। मंडूकासन हेल्प्स इन पाइल्स एंड फिस्टुला, बहुत अच्छा आसन है, इसमें बैठ सकते हैं। जब आपको बैठने में आराम लगेगा उस समय आपके शरीर में पाइल्स या फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक और आसन है, बड़ा अच्छा आसन, मैं आपको जानकारी देता हूं, इसको ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं। दोनों पैरों को इस तरह करके बीच में गैप में जमीन के ऊपर बैठेंगे, ब्रह्मचर्य आसन। ओके, ट्राई टू डू, दोनों पैरों को दोनों बीच में जमीन में बैठ जाएंगे। इट इज डिफिकल्ट बट वेरी गुड पोस्चर, कोई बात नहीं। एक और आसन, बड़ा अच्छा आसन है, कभी वी डू इन विंटर टाइम, जब बर्फ होती है और हम कोई आसन इस तरह से करते हैं तो हमारे पैरों में ठंडी लगती है, कभी मोस्टली इन इंडिया या कहीं ऐसी जगह पर, तो हम गुप्त आसन एक होता है, गुप्त आसन में अपने पैरों को छिपा लेते हैं, दोनों टांगों के बीच में इस तरह से छिपा लेते, इज डिफरेंट पद्मासन। आप ध्यान से देखें, पैर को दोनों बीच में यहां पर छिपाते, इसी तरह से इसको भी छिपाते हैं। दिस इज गुप्तासन, वेरी गुड पॉस्चर, गुप्तासन। You will not feel cold in winter. इस तरह से आप बैठ जाएंगे, ये गुप्त आसन है। धन्यवाद। और मैं एक आसन बताता हूं, बड़ा अच्छा आसन, आप लोग बैठे बैठे बहुत देर से थक गए होंगे। एक आसन करें, खड़े हो जाएं, स्टैंड अप प्लीज। आप कभी कभी अपने बगीचे में फूल तोड़ते हैं, यू प्लक द फ्लावर्स, उसमें एक बहुत अच्छा आसन करते हैं, उसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन में आपको क्या करना होता है, आप देखें कई बार ऐसे आप फूल तोड़ रहे होते हैं, आप पैरों पर खड़े होते हैं, कई बार आपको कहीं पोछा लगाना होता है कहीं इस तरह किचन में, तो आप इस तरह से कोई काम करते हैं, तो इसको उत्कट आसन बोलते हैं। केवल पंजों पर खड़े होना है, पंजों पर खड़े बैलेंस बनाना है, ठीक है। देखो ये और आसन है, हम कह रहे हैं चेयर पोस्चर, चेयर पोस्चर, कुर्सी आसन, बहुत अच्छा, रीता जी बहुत अच्छा कर रही थी। सपोज देयर इज यू हैव चेयर बट देयर इज नो चेयर बट यू इमेजिन, आप सोचिए कि कुर्सी है, आप इस तरह से बैठ, खड़े हो जाए, इस समय इसका समय बढ़ाएं जितना हो सके। कुर्सी आसन बहुत अच्छा आसन है, कुर्सी में जैसे आप कुर्सी में बैठते हैं ऐसे बैठ के थोड़ा चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। धन्यवाद। अब थोड़ा सा आप मेरे साथ वॉक करेंगे, केवल पंजे के ऊपर वॉक करना, वॉक ऑन टोज।
या बच्ची के ऊपर चलना और करें या गुड, दैट इज वेरी गुड, यू कैन यस वॉक ऑन हील हील्स के ऊपर चलना वेरी गुड चलिए बस हील्स के ऊपर चलना के ऊपर चलना बहुत अच्छा। अभी और थोड़ा सा हम कराते हैं, अभी समय है हमारे पास, बैठ जाएं। धन्यवाद। अच्छा मैं आपको ये मैंने आसन बताए, मैं आपको बहुत आवश्यक आसन बता रहा हूं, आई टेल यू थ्री पोस्चर्स फॉर योर मेटाबॉलिक सिस्टम। कभी कभी हमारा पेट स्टोमक डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं हमारी नाभि सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, नाभि हट जाती है, उसके लिए कुछ आसन हैं। एक आसन बड़ा अच्छा आसन है, आप उसको मैं आपको दिखाता हूं, मयूर आसन। आप जानते हैं मयूर मीन्स पीकॉक, पीकॉक कैन ईट द स्नेक, मोर सांप को खा जाता है, सांप को खाने के बाद मोर मरता नहीं है, क्योंकि उसको पॉइजन को पचाने के लिए वो मयूर आसन करता है। वेन एवर वी ईट समथिंग रॉन्ग सो वी कैन डू मयूर आसन, कोई हम खराब चीज खा लेते हैं तो हम मयूर आसन करें, वो सारा गार्बेज में चला जाता है, हमारे भीतर भी गार्बेज बैग है जो हार्ट में नहीं जाता, किडनीज में नहीं जाता, लीवर में नहीं जाता, गार्बेज में चला जाता है। आप केवल देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ऐसे देखें तो बड़ा अच्छा आसन है, आप नीचे भी होता है जिस तरह हम जैसे हम इसका सहारा ले सकते हैं, इसका सहारा लेकर अपनी दोनों कोहनियों को मिलाकर जॉइंट और एल्बोस दोनों को मिलाकर नाभि में रखते हैं और शरीर को तुला के समान खड़ा करते हैं। मयूर आसन आपने देखा होगा मोर को इस तरह से, हमारे दोनों कुहनी जब नाभि के ऊपर जब यहाँ पड़ती है तो जो पॉइजन होता है वो हमारे गार्बेज में चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी भोजन यहाँ आके उसका मंथन होता है, फिर वो उसमें से जमीन में करना होता है, ऐसे पैरों को रखकर एल्बोज को हम नाभि चक्र पर रखते हैं, मणिपुर चक्र पर रखते हैं, नाभि चक्र पर रखते हैं, और वहां पर वो जो हमारा जो भोजन है इस तरह से वहां पर चल रहा है, मशीन चल रही है ना, उसको हेल्प मिलती है और वो जो हमारा जो ऐसी कोई चीज है पॉइजन जैसी चीज चली जाती है, वो फिर हार्ट में नहीं जाती, वो कहीं ऐसे माइंड में नहीं जाती। गुड। तो ये अब मैं आपको पहले आप लोग सब प्लीज ओनली वॉच मी, पहले मुझे आप देखेंगे, बड़े अच्छे आसन हैं, वी वांट टू फिनिश इन टाइम।
बिकॉज योर टाइम इज वैल्यूएबल. मैं आपको अब बहुत देर तक बैठ के आपको आसन कराया, कुछ लेटने के आसन कराता हूं, लेकिन पहले देख लें. These postures are useful for your metabolic system. उसमें क्या करना है पहले आप देखेंगे. सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट कर दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे और इनको उलट देंगे इस तरह से, और उलट कर फिर अपने नॉर्मली टांगों के ऊपर रख लें. फिर विद फुल प्रेशर वी विल इनहेल, पूरी जोर लगा के सांस को खींचेंगे, फिर अपने पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे. वी विल स्ट्रेच कंप्लीट बॉडी, लोअर साइड विद अवर फीट, अपर साइड विद अवर हैंड्स, और उसके बाद जितनी देर अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी यू विल होल्ड, देन यू विल कम इन योर स्किन्स. सो आई स्टार्ट, यू वॉच मी. हाथों को यहां रखेंगे ऐसे, आपने मिलाया, ऐसे किया, हाथों को रखा, जोर से सांस खींचेंगे, पूरे जोर से. स्ट्रेच एंटायर बॉडी एंड होल्ड. एक्सहेल, अपने स्थान पर आ जाएंगे, पैरों को अपनी जगह ले आएंगे, हाथों को अपनी जगह ले आएंगे. आप समझ गए हैं सब, करिए. वेरी गुड फॉर एसिडिटी, फॉर मेटाबॉलिक सिस्टम, फॉर स्टोमक. हाँ, हाथों को पैरों को मिलाएंगे, हाथों को इस तरह मोड़ के पीछे ले जाएंगे, स्ट्रेच योर बॉडी. सांस भरेंगे जोर से, जैसे कोई हम जैसे स्कूटर स्टार्ट करते हैं आवाज आती है, ऐसे आवाज आनी चाहिए सांस में. हाथों को पीछे ले जाएंगे, रोकेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, सारे शरीर को हम खींचेंगे. इसका नाम है संस्कृत में नाड़ी तान आसन. सारी नाड़ियों को हम तान देते हैं. वी स्ट्रेच अवर एंटायर बॉडी. गुड. जब आप when you will inhale, you will stretch your entire body, and when will you will exhale, you will come in your position, and your hands will close to the stomach, and the feet also will close. पैरों को अपनी पोजीशन में ले आएंगे, हाथों को अपनी पोजीशन में ले आएंगे, एक्सहेल करते समय इनहेल करेंगे तो दोनों को स्ट्रेच करेंगे, पैरों को भी हाथों को भी, सारे शरीर को खींचेंगे पूरा. हमारे सारे शरीर की नाड़ियों को हम तानेंगे. इसका नाम ये नाड़ी तान आसन. बहुत अच्छा आसन है. थ्रू नोज ओनली, योर माउथ विल बी क्लोज. When we are going backwards, you are stretching and holding the breath. Yes. So holding the breath. Yes, yes. You stretch your body holding the breath. Stretch entire body. Good for heart, good for liver, good for everything, good for acidity. And
धन्यवाद। अब दूसरा देखें, इसी का शरीर संचालन क्रिया नंबर वन। शरीर संचालन क्रिया मैं आपको करके दिखाता हूं, आप पहले ओनली वॉच, पहले आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए। कोई समझ में नहीं आता है तो यू कैन पुट द क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समझ के करना चाहिए, पहले समझिए फिर करिए। अच्छी तरह करेंगे यू कैन गेट फुल बेनिफिट, समझ के नहीं करेंगे तो योग रोग भी कर देता है, और योग रोग को ठीक करता है ठीक से करते हैं तो, और जब योग से हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बहुत हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, समझ के, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दें, स्टॉप, बिल्कुल आराम से करें इजीली, और आप करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। कैसे कर रहा है? बहुत इजी है, लेट जाएंगे, लेट कर हाथों को अपने पोजीशन में रखेंगे, और इसमें भी हम सांस को विल इनहेल, सांस खींचेंगे, पैरों को मिलाएंगे, सिर को और कंधों को अपने स्थान पर डिस्टर्बल, आवर हेड एंड शोल्डर, एंड वी विल ट्विस्ट रेस्ट बॉडी, अपने कंधों को रखेंगे स्थिर, सिर को स्थिर रखेंगे, बाकी हम अपने शरीर को बाई ओर मोड़ेंगे, पहले सांस धारेंगे, we will hold according our capacity and return back, फिर वहीं जाएंगे छोड़ते हुए, exhale and back। इस बार सांस को खींचेंगे और राइट साइड जाएंगे, कंधे वहीं रहेंगे, सिर वहीं रहेगा, सिर नहीं घूमेगा, ध्यान रखें, सावधानी, सांस खींचेंगे, we will hold, come back and exhale, समझ में आया? करें, sometimes your navel center disturbs, so you can adjust your navel center yourself, नाभि हट जाती है उसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह का आसन है, दोनों पैरों को मिलाएंगे, कंधे अपनी जगह रहेंगे, हेड अपनी जगह रहेगा, बाकी बाईं ओर घूमेंगे तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर चढ़ जाएगा, बड़े आराम से, घुटने नहीं मोड़ेंगे, यू विल नॉट बेंड योर नी, कोशिश करें कि आप आपका पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाए लेफ्ट साइड में, क्योंकि इससे कमर में कभी कभी पेन, बैक पेन भी ठीक हो जाता है, नावल सेंटर ठीक हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है, गुड फॉर मेटाबॉलिक सिस्टम। आपने कर लिया है तो आप लेट जाएं, रेस्ट करें, उसमें रेस्ट पोस्चर, जिन्होंने कर लिया सीधे लेट जाएं। शवासन, शवासन आप जानते हैं, अपनी हथेली को आसमान की ओर करें, पैरों में गैप रखें, और दांतों में भी एक सूत का थोड़ा सा गैप रखें, यू क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू एम्प्टी योर माइंड, कुछ भी सोचने की सोचना बंद करें, रेस्ट करें एक मिनट के लिए,
धन्यवाद। मैं एक और क्रिया बताने जा रहा हूँ जो इसी तरह की है, बहुत अच्छी है, उसको आप ध्यान से पहले प्लीज ओनली वॉच मी, पहले मेरे को देखिए, उसके बाद में आप सावधानी से करिए। इससे थोड़ा अलग है, उसमें क्या करना है, इसी तरह लेटना है, पैरों को मोड़ना है। आप देख लें बैठ कर आराम से, सो गए विनीता जी, पैरों को मोड़ कर हिप्स के साथ लगाना है, दोनों घुटनों को जोड़ना है, हाथों को 180 अंश के कोण में रखना है, इस तरह से स्ट्रेट पोजिशन। अब इसमें थोड़ा चेंज हमने किया, हमारे घुटने जमीन में टच करेंगे, लेफ्ट साइड, और हमारा सिर अवर राइट चीक विल टच द अर्थ, सिर दाहिनी ओर मोड़ेंगे और टांग बाईं ओर मोड़ेंगे, हाथों को सीधा इस तरह से 180 अंश के कोण में रखेंगे। देखें पहले पैर जमीन में टच हो गए, दोनों उठे, दोनों घुटने सिर्फ बाईं ओर गया, दाहिनी ओर, फिर अपनी पोजीशन में आए। इसको भी हम पावर योगा बनाएंगे, उसमें इनहेल सेंस करेंगे, राइट साइड में हमारे घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड में सिर जाएगा, स्टोमक पूरा खींचेगा, नाभि सेंटर को मणिपुर चक्र को शुद्ध करने का बहुत अच्छा आसन है। समझ में आया? करिए, कोशिश कीजिए, प्रयत्न करें, टांगों को हिप्स के साथ टच करें, पैर को अधिक से अधिक और भी पीछे क्लोज करें, ये दोनों हाथों को इस तरह से, सिर को बाईं ओर ले जाएं, घुटनों को दाहिनी ओर ले जाएं, टर्न योर नीज राइट साइड एंड ट्विस्ट योर हेड लेफ्ट साइड, इनहेल एंड डू एंड एक्सहेल एंड कम बैक, एक बार राइट में करेंगे, एक बार लेफ्ट में करेंगे, उसके बाद बस इतना ही। बहुत अच्छा आसन है, आप इसको सीख लें और सीख कर फिर आगे कभी भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आसन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा आसन है, आप पहले देख लें फिर करें। आपने किया होगा उत्तान पाद आसन, बहुत अच्छा है पेट के लिए, सीधे लेट जाएं। उत्तान पाद आसन को भी हम पावर योगा बनाएंगे, सांस के साथ करेंगे, सांस को लेंगे, इनहेल, पैरों को मिलाएंगे, 6 इंच के लगभग हम पैरों को उठाएंगे, हाथों को जमीन पर रखेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। फिर उठाएंगे, पहले सांस भरेंगे, एक्सहेल, गो डाउन। यस, करिए। सिक्स इंच ओनली सिक्स इंच एंड स्लोली गो डाउन, स्लोली, धीरे धीरे, पैर एकदम नीचे छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, अब इसको हम और भी बदलें, इसको 30 डिग्री पर ले आए, सांस की सांस भरें, 30 डिग्री तक जाएं,
फिर एकदम नहीं गिराएंगे, धीरे से स्लोली गो डाउन स्लोली। अब की बार 45 डिग्री पर जाए, सांस भरें 45, गो डाउन स्लोली। नाउ 60 डिग्री, गो डाउन स्लोली। 90 डिग्री, होल्ड, गो डाउन स्लोली, गुड, टेक रेस्ट। शवासन, शवासन करें एक मिनट के लिए, विश्राम करें, विश्राम में पूरे शरीर को खुला ढीला छोड़ दें, पैर को ढीला छोड़ें, घुटनों को ढीला छोड़ें, टांगों को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें, छाती को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें, सिर को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, मन को ढीला छोड़ें, शरीर की ग्रिप हटा दें और शरीर के ऊपर चले जाएं। प्रयत्न करें, अब धीरे से शरीर में आए, सिर में, फिर छाती में, कमर में, टांगों में, पैरों में, फिर अब पूरे, अब ध्यान से मुझे दूसरा आसन देखें, मैं एक बहुत अच्छा आसन आपको दिखा रहा हूं। हमारे यहां इसको आसनों का शीर्ष कहा गया, आसनों का मुकुट, शीर्ष आसन। आप देख ले एक बार, कई बार हम लोग भूल करते हैं शीर्षासन करने में, हम इस पार्ट को जमीन में लग नहीं टच करना चाहिए, जो मिडिल पार्ट, क्योंकि यहाँ हमारा सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पूरा माइंड हमारा बैलेंस रहता है। ये बहुत अच्छी और बहुत कोमल स्थान है, कभी भी उसको जमीन में प्रेस नहीं करना। तो हमें क्या करना होता है, यहां से देखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से क्लिक करके ऐसे खड़े होना, ऐसे तरह इस तरह से इस पोजीशन में आके हाथों को इस तरह रखेंगे, हाथ के ऊपर फोरहेड को रखना होता है और कोहनियों को भी हम सहारा ले सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एल्बोज। फिर आराम से शरीर को उठाते हैं, शीर्षासन और पद्मासन को कंबाइन करते हैं। फिर इसमें एक्सरसाइज करते हैं, धीरे से बैलेंस बनाते हुए उठते हैं। हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। एक आसन और आपको दिखाते हैं, अभ्यास करना, आज नहीं दो चार दिन में आप अभ्यास करके करना। हाथों को इस तरह करके कोहनियों के ऊपर खड़े होना, ये बकासन, तो बकासन बोलते हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, आप सब लोग कर सकते हैं, सर्वांगासन। अवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, यस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर,
सो दिस वॉज द फेवरेट आसन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वांग आसन, बहुत अच्छा आसन है। इसमें धीरे से पहले समझ लें, अपने पैरों को, अपनी उंगलियों को हम आंखों से देखते हैं, बहुत अच्छा आसन है। शीर्ष आसन के सारे बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। इसमें भी पद्मासन कर सकते हैं, पद्मासन करके अपने लेफ्ट नी को हम नाक से टच करते हैं, फिर राइट नी को नाक से टच करते हैं, फिर धीरे जोर से करते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, धीरे से बैलेंस बनाते हुए आराम से गो डाउन स्लोली। करना चाहेंगे? अभी को आसन मैं आपको बताता हूँ, धनुरासन करेंगे। धनुरासन, धनुरासन में धनुष के द्वारा लाइक हो, जो धनुष है उसकी जैसा हम अपने शरीर को बनाएंगे। आप उनको यहां रखेंगे, धनुरासन। कभी कभी इसमें सुप्त गर्भासन, इसमें भी ऐसे ऐसे झूल सकते हैं। इससे कमर का आपका दर्द ठीक हो जाएगा। रामदेव जी लोगों से सीखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको, आप बैठ जाएंगे। यस यस, बचपन से करता हूँ मैं, बचपन से। हाँ, नहीं 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 आप कर सकते, थोड़ा सा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सो आई राइट गुड सॉन्ग इन बीवरटन, देर वॉज ए गुड योगी विश्वपाल जैन एंड इज माई फ्रेंड एंड रामदेव वॉज हिज स्टूडेंट, विश्वपाल जैन। यस, तो वहाँ पर हम लोग रहे, तो हम लोगों ने फिर एक मैंने गीत लिखा था पावर योगा। Oh, believe, believe, no disease, disease, if you do power yoga, power yoga, power yoga, power yoga, power yoga। एक किसी दिन हम आपको गाना सुनाएंगे, मैंने योग के ऊपर बहुत सारे गीत लिखे हैं, योग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग कहें, मैं अब थोड़ा आपको, हमारे पीछे बैठे हैं एक बहुत अच्छे महाशय में, अतुल जी, मिस्टर अतुल योगी। अतुल योगी का एक बहुत अच्छा उनका आदेश है मेरे लिए कि आप प्रोमेडिटेशन कराएं। तो वी हैव 15 मिनट्स मोर, वी विल डू मेडिटेशन।
आप मेडिटेशन के लिए मैंने आपको एक आसन संभाल के रखा है, अभी मैंने नहीं बताया, उस आसन का नाम है सिद्धासन। सिद्धासन बड़ा अच्छा आसन है, जिसमें हमारे सिद्ध लोग जो होते हैं, जो आकाश में उड़ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, बट दे डोंट टेल एनीबॉडी कि हम ऐसा करते हैं। योग में यह होता है कि सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियों को कोई बताता है और फिर सिद्धियां चली जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी को बताना है तो उसके हित के लिए बताना है, अपनी प्रेज के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना होता। इसलिए मैं बहुत वर्षों से यहाँ आया, मुझे लगभग बहुत दिन हुए, आपने हमारे प्रज्ञा जी ने मुझे आग्रह किया, तो फिर मैंने इनकी आज्ञा से पहले या बहुत अच्छे हैं प्रज्ञा जी और अतुल जी। मैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर ले चलता हूँ, और मैं थोड़ी सी बेसिक आई वांट टू गिव यू सम बेसिक नॉलेज ऑफ चक्रा। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, और उन चक्रों में आप जानते हैं जो हमारे सात चक्र मुख्य हैं। सात चक्रों में पहला, सबसे पहला चक्र रूट चक्र, मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं, आप सब समझते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र हृदय में, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे हमारे शरीर में और भी बहुत सारे चक्र हैं, देयर आर सो मेनी माइनर चक्रास, सो दे आर रिलेटेड टू द सेवन चक्रास। तो वो चक्र कहां पर है, जैसे पैर में भी चक्र है, और नीज में चक्र है, एल्बोज में भी चक्र हैं, तो हमें दिखाई नहीं पड़ते, ग्रोइन में, कमर में चक्र हैं, नावल में भी है, नावल के साइड में, शोल्डर्स में भी चक्र है, ईयर में भी चक्र है, इवन स्प्लीन में भी चक्र है, वो कुछ ऐसे चक्र हैं जो गुप्त चक्र हैं। हमने जो सात चक्र आपको अभी बताए, केवल नॉलेज के लिए समझ लीजिए, सात चक्र और भी हैं जो हमारे पैरों से स्टार्ट होते हैं और मूलाधार चक्र के नीचे और पैरों के तले से लेकर सात चक्र हैं। उन चक्रों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल सबसे नीचे का चक्र है जो हमारे पैर के सरफेस में रहता है। तो आप थोड़ा सा सब लोग आंखों को बंद करें, अपने शरीर को सीधा करें, यू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, आप आंखों को बंद करें, शरीर सीधा हो और मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में चक्रों को एक्टिवेट करने की भी कुछ प्रोसेस होती हैं, तो प्रत्येक चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाता है उसकी कुछ प्रोसेस विशेष प्रक्रिया होती है। हर चक्र के अपने नाम भी हैं, हर चक्र के अपने मंत्र भी हैं, हर चक्र के अपने कलर भी हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें, सीधे बैठ जाएं और इस मुद्रा को करें, ये जो मूल चक्र को खोलने के लिए मुद्रा होती है, बेस चक्र को, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, वितर्क मुद्रा बोलते हैं, अपान मुद्रा, कई प्रकार कई इसके नाम हैं। तो इस तरह से आप सोचें कि आप कनाडा में नहीं बैठे हैं, सारी धरती के केंद्र में आप बैठे हुए हैं, और ना कोई कनाडा है, ना कोई
वैसे है, ना कहीं कोई मंदिर है, ना कहीं कोई कुछ भी नहीं है, केवल धरती के ग्लोब, एक ग्लोब के जैसी धरती है, उस धरती के बिल्कुल केंद्र में, मध्य में आप बैठे हैं और बैठे हुए आंख बंद है। आप अपने पैरों की ओर जाइए, अपने मन को ले जाइए और उसमें सबसे नीचे जो सोल में, पैर के सोल में अपने माइंड को ले जाएंगे, वहां पर पाताल चक्र है। पाताल चक्र ये स्टेट है घृणा का, मैलिस का, नरक का। तो हम अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को, अपनी विल पावर को वहां ले जाते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को वहां ले जाते हैं और घृणा के चक्र को, जो पाताल चक्र है, उसमें से हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, घृणा को समाप्त करते हुए महातल में आते हैं जो पैरों में है। महातल इज अ डार्क स्टेज ऑफ इग्नोरेंस, यहां अज्ञान रहता है। उस अज्ञान को हटाते हुए हम तीसरे चक्र में आते हैं, रसातल में, जो हमारे अंकल्स में है, टखनों में। यहां पर सेल्फिशनेस रहती है, उसको हम समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। घुटनों के नीचे जो पिंडली है, काल्स, वहां पर तलातल है, उसके ऊपर हम कॉन्शियस को ले जाते हैं। जहां महातल है, सुतल, सुतल नीज में है, जहां जलेसी रहती है, उस जलेसी को हटाते हुए हम ऊपर चलते हैं। वितल थाइज में, जहां एंगर रहता है, गुस्सा, क्रोध रहता है, उसके ऊपर चलते हैं। अतल में, अतल में थाइज के ऊपर, हिप्स में, वहां फियर है। ये लोअर चक्रों से हम अपने को और ऊपर उठाते हैं और अब हम पहुंचते हैं रूट चक्र में, मूलाधार, मूलाधार चक्र, जो हमारी एनस से पीछे से बैक बोन जो हमारी है, वहां से स्टार्ट होता है मूलाधार बेस चक्र। इसमें आप जरा ध्यान करिए, कमल का फूल है और चार पंखुड़ी वाला कमल है और उसका रंग है लाल। यहां हमको, यदि हमारे इस चक्र की शुद्धि होती है, इस चक्र में हम कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट योर बेस चक्र इन रेड कलर लोटस। उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इससे स्टेबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी होती है। और यहां पर आप बैठे हुए लम 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 ऐसा मंत्र बोल सकते हैं अपने मन में। लम 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 पृथ्वी का बीज मंत्र है। इस चक्र के देवता गणेश हैं। गणेश रिमूव्स ऑल ऑफ द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम अवर लाइफ एंड वी कैन इंप्रूव अवर विल पावर। नाउ वी आर गोइंग टू स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान पैल्विक सेंटर, पैल्विक प्लेस, पैल्विक एरिया। छह पंखुड़ी का कमल है, इसका कलर है ऑरेंज। आप ट्राई कीजिए थोड़ा ढूंढने का, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, फिर कभी हम और इतने समय लेंगे।
छह पंखुड़ी का कमल है, ऑरेंज कलर है और इसका बीज मंत्र है वम। यहाँ हमको हैप्पीनेस मिलती है, इसके देवता वरुण देवता हैं, हम सबके साथ मिलना जुलना सीख जाते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन करने से फ्रीडम महसूस करते हैं, प्लेजर, वी कैन गेट प्लेजर, वी कैन गेट फ्रीडम, एवरीथिंग। नाउ वी गो टू नाभि चक्र। यहाँ पर येलो कलर का कमल है, 10 पंखुड़ियों वाला है, नावल एरिया। यहाँ कंसंट्रेट करने से हमें रिलैक्सेशन मिलता है, जिसका बीज मंत्र है रम। रम अग्नि का बीज मंत्र है, अग्नि देवता है, ब्रह्मा भी इस चक्र के देवता हैं। वी कैन कंट्रोल अवर कंप्लीट लाइफ विद द कंसंट्रेशन, विद द मेडिटेशन। इसके बाद अब हम हृदय कमल में आते हैं, अनाहत चक्र, 12 पंखुड़ी वाला लोटस, ग्रीन कलर। चेस्ट में है, ये इसके देवता विष्णु हैं। ये इमोशनल एनर्जी हमको मिलती है, लव मिलता है, जॉय मिलता है, यू कैन गेट इनर पीस। इसका बीज मंत्र है यम। इसके बाद हम ऊपर चले विशुद्ध चक्र, कंठ में, गले में। यहाँ जो लोटस है, द लोटस पेल ब्लू, हल्का नीला रंग का कमल, एंड देर आर 16 पेटल्स, 16 पंखुड़ियां हैं, और बीज मंत्र है हम हम हम। सरस्वती देवता है। यहाँ कंसंट्रेशन करने से हमको कम्युनिकेशन ठीक होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर आती है, हमारे जीवन में ट्रुथ आता है, सच्चाई आती है, संचार ऊर्जा हमको मिलती है। इसके बाद हम छठे चक्र में जाते हैं, आज्ञा चक्र, बिटवीन योर बोथ आईज। यहाँ 2 पेटल है, 2 पेटल का कमल है, इंडिगो कलर, गहरा नीला रंग। वी कैन गेट इमोशनल पावर, वी कैन गेट इंट्यूशन, गुड इंट्यूशन, इमेजिनेशन, विजडम, डिसीजंस, वी कैन मेक गुड डिसीजंस। अब सातवां चक्र, सहस्रार में हम जाते हैं, जो हमारे टॉप में है, 1000 पंखुड़ी वाला कमल, वायलेट कलर, बैंगनी रंग का है, वेरी टॉप ऑफ द हेड। वी कैन गेट 100% स्पिरिचुअलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन, प्योर ब्लिस, स्पिरिचुअल पावर, गोल्डन लाइट, एवरीथिंग। हमारी कॉन्शियस सहस्रार में गई, सहस्रार से हम वापस होते हैं, आज्ञा चक्र में आते हैं। आज्ञा चक्र से एनर्जी लेकर सहस्रार से हम नीचे आते हैं, विशुद्ध चक्र में, कंठ में। कंठ से कल्पना करते हुए कि हमारे सारे चक्रों को ऊर्जा मिल रही है, शोधन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहे हैं, और हम अनाहत चक्र में आते हैं, हृदय चक्र में, धीरे से नाभि चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, पेल्विक प्लेस, उसके नीचे मूलाधार चक्र में, फिर नीचे सारे शरीर में कॉन्शियस को लेते हुए, और प्लेजर, आनंद, सुख, इन सब को लेते हुए धीरे से आप चाहे, आपका मन हो तो आराम से आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलकर दोनों हथेलियों को जोर से रगड़े, आंखों की मालिश करें,
हथेली से। समय हमारा हो गया है, भगवान से प्रार्थना फिर करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा एक पंक्ति फिर आप बोलेंगे। हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी, सब भक्ति सब भद्र भाव देखें, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, सन्मार्ग दुखिया न कोई होवे, दुखिया सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी, ओम जय शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति साम शांति रेहि ओम शांति शांति शांति। जो जा रहे हैं वो कम बैक प्लीज, टेक प्रसाद, कोचर जी हमारे अन्नदाता हमको प्रसाद देंगे। अच्छा सब लोग प्रसाद लें, बहुत धन्यवाद आपको।